हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लेट्स क्रैक यू पी एस सी एस सी दस डॉक्टर सद्धारें दीज मिशन मसूरी पॉलिटी सीरीज यू पी एस सी सी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो फ्रेंड्स ये सीरीज का टारगेट एक ही है कि मैं किसी भी तरह से वट एवर इज विद इन माई रिल्म पॉसिबिलिटी जो भी मेरी कैपेसिटी में अल्ट्राई एंड टेक यू टू मसूरी मसूरी में क्या है सर मसूरी में है हम सब लोगों का सपना जो मैं तुम्हारे लिए देख रहा हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और तुम इस देश के फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स बन जाओ सो so, प्रॉब्लम ये है माय फ्रेंड्स नंबर वन दिस एग्जाम इज टफ नंबर टू दिस एग्जाम इज चेंजिंग इट इज चेंजिंग बाय द ईयर व्हाई बिकॉज रीसेंट एक ट्रेंड चल रहा चला हुआ दिख रहा है दैट यूपीएससी इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का प्रॉब्लम यह है कि ये एक के बस की चीज नहीं है यस बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल द एपेक्स द हाइस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया इनकी जजमेंट्स विल ऑल्सो लीगल कॉन्सेप्ट जो बहुत सारे आप जैसे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा अंटल अनलेस यू हैव अ लीगल बैकग्राउंड अब लॉ बैकग्राउंड आप में से बहुतों का होगा हो नहीं हो सकता आप में से कुछ बहुत सारे लॉयर्स लो, होना और एक और हेड एक है हेड एक ये है दैट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स अगर हम देखते जाए तो इट इज़ अपवर्ड ऑफ फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड पेजेस अब तुम कब इतने सारे पेजेस पढ़ोगे उसमें से टफ लीगल लैंग्वेज पढ़ोगे समझने की कोशिश करोगे और दूसरी बात उसके बाद आपको उसका एसेंस समझना है जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में काम आने वाला है तो ना मैं सिविल सर्विसेज में इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत है और उसका एसेंस जो है उसको निकालने के लिए ना तुम्हारे पास फुर्सत है ना तुम कर पाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं मैं हूं ना यस तो मैं तुम्हारे लिए ये जजमेंट्स लेकर आया हूँ एंड द जजमेंट्स का मैं तुम्हें एसेंस बता दूंगा द वे इट इज टू बी नोन सो आज उसी कॉन्सेप्ट में हम लोग करेंगे ट्वेंटी of मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ट्वेंटी टू और आज का केस हमारा होगा शाहरा बानो इंडिया so, यूनियन ऑफ़ इंडिया 2017 एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है बट बिफोर दैट दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा मुझे आना के आदमी बस लाइव नाम से जाना जाता है और यह कोर्ट तुम्हें याद रखना है क्या करने के लिए वेन यू टेकैडमी प्लस एस आई डी एल आई वीट लाइफ कोड यूज करते ही तुम्हें इमीजिएट टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा नंबर वन नंबर टू तुम मेरी टीम में शुमार हो जाओगे यू शुड ऑल्सो ट्राई एंड कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कनेक्ट नहीं किया मेक श्योर दैट यू कनेक्टेड ये लास्ट लाइन में उसका लिंक दिया हुआ है दैट यू कैन यूटिलाईज और वैसे मैं टेक्सा भी हो गया हूँ वॉट अगर तुम तो इसको लैपटॉप पे देख रहे हो तो अपना कैमरा का कैमरा यूज करो मोबाइल का और ये क्यू आर कोड स्कैन करो वॉला यू आर ऑन माई टेलीग्राम वाह टेक्सा भी होगा होता है बेटा होता है ऑल राइट आई द So, what I'm this is this is something that I want everyone of you to know that we are being able to deal with one another. Other side, interact because of this great Un academy, which is India's largest learning platform. This is daily live classes? Daily live classes live classes experience. you can have one-to-one -one communication with your educator, structured courses. ऐसे नहीं होता जो मर्जी पढ़ा दिया जाए बड़े ध्यान से बड़ा प्लान आउट अप्रोच होता है कौन सा टॉपिक पहले होना चाहिए कितना डिटेल में होना चाहिए कब पढ़ाया जाना चाहिए कब उसका रिविजन होना चाहिए एवरी थिंग इज टेकन केयर ऑफ इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज नाइन्टी परसेंट एक्सपीरियंस है पढ़ते हैं कोई दाएं से पढ़ लिया बाएं से पढ़ लिया आज मुड़ नहीं कर रहा ऐसा नहीं चलता है मेरा बच्चा सो द थर्ड पार्ट इज लाइव टेस्ट एंड क्विज एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन के बिना एग्जाम में चले मत जाना एंड द फाइनल पार्ट इसकी बहुत सारे हमारे बीच में एक्सपिर है जिनको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉलेज जाना है टाइम नहीं मिलताबल ऑन दिस ऐप तो इस ऐप को डाउनलोड करो तुम्हें सारे एजुकेटर्स इंडिया के बेस्ट होते एजुकेटर्स मिलेंगे और कोई गलत फहमी मत रख लेना ऑल द सब्जेक्ट प्रेन सक ऑल दब्जेक्ट से लेकर मेन सै मेन से लेकर ऑप्शन तक इंटरव्यू तक बी अवेलेबल ऑन वन प्लेटफॉर्म सबसे इंटरेस्टिंग बात है द प्राइसेस ऑफ दीज कोर्सेस आर वेरी वेरी रीजनेबल रीजनेबल एज कंपेयर टू वट आर स्पिंग चार्ज इन द सो कॉल्ड ऑफलाइन क्लासेस उसके अनुसार तो ये एक फ्रैक्शन है तो कौन सा कोर्स ज्वाइन करना बेटा जो मेरे फ्रेंड्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में ज्वाइन अटेंट अटम्प कर रहे हैं टेक अ ट्वेल्व मंथ कोर्स और टेक अट्वेंटी फोर मंथ कोर्स जो उसके बाद अटेम्प्ट करें रहे ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर टेक अट्वेंटी फोर मंथ और थर्टी सिक्स मंथ कोर्स तुम प्लस कोर्स भी ले सकते हो जो नॉर्मल कोर्स है यू कैन ऑल्सो टेक एन आइकॉनिक कोर्स जिस पे तुमको डेली मेन्स क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज मिलेगा पर्सनल कोच मिलेगा स्टडी प्लानर मिलेगा

सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट पटिशन को डिसाइड किया था केस बड़ा फेमस है सर हमने सुना सुना सा लग रहा है तुमने इसको सुना सुना सा ही लग रहा होगा बिकॉज ये केस बड़ा फेमस हुआ था एस द ट्रिपल तलाक केस सो दिस इज द शायरा बानो वजेस यूनियन ऑफ इंडिया केस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रिपल तलाक केस हाँ और सर ये एक ही केस का नाम नहीं लिखा हुआ काफी केसेस है गेस yes. रिलेटेड आई थी तो उनको मर्ज करके उनको क्लब टुगेदर करके सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर डिसाइड किया था सो लेटेस्ट पे अटेंशन टू द हिस्ट्री तो मैं तुम्हें क्विकली एक हिस्ट्री बता देता हूँ शाहरुबानो एज सजेस एज अ मुस्लिम वुमेन उनकी उनका निका हुआ था मिसर रिजवान अहमद के साथ फिफ्टीन ईयर्स की मैरिज थी ट्वेंटी सिक्सटीन में रिजवान अहमद ने शाहरुबानो को इंस्टेंट या ट्रिपल तलाक दिया था सर ये इंस्टेंट या ट्रिपल तलाक क्या होता है मैं वो थोड़ी देर में बात बताता हूं ट्रिपल तलाक को तलाक के बिदत बोला जाता है टेक्निकली स्पीकिंग तलाक 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 और द इंस्टेंट तलाक इज कॉल्ड एस बिदत तो शारा जी ने एक रिट पटिशन फाइल किया और तीन तीन प्रैक्टिस तो नंबर वन तलाक बिदत नंबर टू पॉलीगैमी नंबर थ्री निखा हलाला को सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन किया कि माई लॉर्ड इन तीनों प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया किया जाए ऑन द ग्राउंड ऑफ वायोलेशन ऑफ आर्टिकल फोर्टीन फिफ्टीन ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड आई होप तुम्हें समझ में आया नहीं सर कुछ खास समझ में नहीं आया समझ में आ जाएगा जब तुम्हें इन तीनों प्रैक्टिस का मतलब समझ में आ जाएगा तलाक के बिदत एक प्रैक्टिस है जिसमें एक man, एक मैन, मुस्लिम मैन एक वुमेन मुस्लिम वुमेन को अपनी वाइफ को तलाक 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 एक ही सिटिंग में एक ही सिटिंग में अगर वो बोल देता है विदाउट इवन टेकिंग द वाइफ्स कंसेंट तो इट इज़ कंसिडर्ड आज तलाक ठीक है सर ये तो मैं मालूम था नहीं बेटा जो एक्चुअल ओरिजिनल ओरिजिनल इस्लामिक लॉ के हिसाब से ये अलाउड नहीं था तो अल जो एक्चुअली अलाउड था उसे तलाक़ सुन्नत बोला जाता था तलाक सुन्नत में तलाक 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 बोला तो तीन बार जाता है लेकिन उसके बीच में टाइम होता है इंटरवल होता है दैट इंटरवल पीरियड दैट इंटरवल पीरियड ऑफ वन लूना मंथ फॉलोड बाय अनदर लूना मंथ फॉलोड बाय अनदर लूना मंथ इन अदर वर्ड्स टाइम मिल जाएगा जिसमें कि कंसीलिएशन हो सकता है बिटवीन द मैन एंड द वुमेन मेरी बात समझो जिसमें कंसीलिएशन हो सकता है जिसमें सेटलमेंट हो सकता है इन अदर वर्ड्स दैट इज रिवोकेबल तलाक के बिद्द ऑन द अदर हैंड इज सिटिंग इन इन वन सिटिंग यू डिसाइड एक बार तलाक 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 बोल दिया कहानी ख़त्म वो इंटरवल भी नहीं है नंबर वन नंबर टू इट इज ए सो so, जो शायरा बानो ने फेस किया था तो पिटिशनर ने फ़ेस किया था वो था तलाक के बिदत नॉट तला के सुन्नत और राइट right. दूसरी प्रैक्टिस दूसरी प्रैक्टिस है निकाह हलाला ये क्या है निकाह हलाला इज़ अनदर प्रैक्टिस इन विच अगर एक मुस्लिम फीमेल इस मुस्लिम वूमेन का डिवोर्स हो गया और अगर वो दोबारा उसी हस्बैंड से शादी करना चाहती है जिनसे उनका तलाक हुआ है तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकती इन अदर वर्ड्स उनको पहले किसी और पर्सन से किसी और मैन से विवाह या निकाह करना पड़ेगा ओनली देन शी कैन गो बैक टू द मैन हैजोर्स थर्ड इज पॉलीगैमी ये तो मैं मालूम होगा दैट अलाउस मुस्लिम मैन टू हैव मोर देन वन वाइफ आई होप यू नो दिस सो देर आर थ्री कॉन्सेप्ट इज तला के बिद्दत नंबर टू निकाह हलाला नंबर थ्री पॉलीगामी और इन तीनों को चैलेंज किया

आंदोलन एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारी पार्टीज बहुत सारी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हो गई बिकॉज ये मैटर कोई छोटा मोटा मैटर नहीं था इट टू टू डिसाइड ऑन ऑन बी डिसाइडेड सेवरल ग्राउंड्स ग्राउंड्स वन ऑफ वाज ऑब्वियसली कि क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल फोर्टीन ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सुप्रीम कोर्ट इवन इंटरफेयर इन दिस मैटर बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ पर्सनल लॉस ऑफ द मुस्लिम्स एंड सो ऑन एन सो तो बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट चलती गई एंड वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस सो पहले हम देखते हैं लीगल इशूज क्या थे वट व लीगल इशूर द सुप्रीम कोर्ट ऑन दिटर फर्स्ट वन वॉज वेदर प्रैक्टिस ऑफ तला के बिद्ध निकाह एंड पॉलीग्रामी वर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नंबर टू वेदर द प्रैक्टिस ऑफ तला के बिद्द कॉन्स्टिट्यूट एंड एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम I did not say religious practice, I said essential religious practice. So yeah, essential religious practice, but we will come back in just some time. Try and understand this part. So let us see what the petitioner is saying. Petitioner said that these three practices, bidat Polygamy, and nikah Halala, are unconstitutional on the grounds that they violate article 14, 15, 21, and 25 of the constitution. 14 is equality before law and equal protection laws.

You will understand this. और इसी स्पीड में जिस स्पीड पर मैंने तुम्हें बोला है, इस पीड पर तुम्हारे मुझसे आर्टिकल्स और उसका कंटेंट निकलना चाहिए इन पर्टिकुलर दर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला यू कैन नॉट इंटरफेयर माई लॉड देस आर पार्ट ऑफ अनकोडिफाइड मुस्लिम पर्सनल लॉ ये अनकोडिफाइड मुस्लिम पर्सनल लॉ है ये पार्लियमेंट्री लॉ नहीं है इन अदर वर्थ दिस इज नॉट ओपन टू जुडिशियल रिव्यू और एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है दट दीज आर एसेंशियल कोच्स एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लामिक रिलीजन एंड दस दे आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन नॉट इंटरफेयर ऑन दिस पॉट तो सर इसमें ना कुछ जरूरत से ज़्यादा लॉज आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा बता देता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ So number one is Article 14 in the Constitution of India. The state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of laws within the territory of India. Num Article 13. Article 13 in the Constitution of India. Laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights all laws enforced in the country in the territory of India immediately before the commencement of the law, So far as they are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency be void. Article 25. Freedom of conscience and free, free profession practice and propagation of religion, subject to public order, morality, and health, and to any other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess one's religion. Very good, sir. So Hamar Basovia article 14, 13, 21, 25, both are important points. So put a vehement arguments way and finally a five-judge constitutional bench. મે ઇસ મટકો ડિસાઈડ ક્યાં અનબાયર 3 ટુ 2 મેજોરિટી 3 ઇન ધ ફેવર ઓર ધ 3 મેજોરિટી ડિસિઝન્સ મે યે બોલા ગયા करेक्ट ધ પીટિશનર ઇઝ રાઈટ વી ધ મેજોરિટી જજમેન્ટ હેલ્ડ ધેટ ધ ટ્રિપલ તલાક ઇઝ અનકન્સ્ટિટ્યુશનલ અન્ડર આર્ટિકલ 14 રીડ વિથ આર્ટિકલ 13 સબક્લોઝ 1 વાઉ સો તો ટ્રિપલ તલાક વોઝ અનકન્સ્ટિટ્યુશનલ સર કੁਝ ગ્રાઉન્ડસ રીઝન તો બતાયા હોગા ને રીઝન તો બતાયા હોગા ને Абсолюટલી So, these are the grounds or these are the bases upon which the Supreme Court finally decided. It said, the practice of triple talaq has been sanctioned as a matter of personal law by the Muslim personal law, which is the Sharia Application Act of 1937. You should You should be knowing this. The court clarified, and I quote, that action arbitrary, if any action arbitrary, तो एक्शन आर्बिट्ररी है सर ये हमें समझ में आ गया सर एक्शन आर्बिट्ररी है तो एक्शन आर्बिट्ररी है द पॉइंट हेयर इज कि अगर कोई एक्शन आर्बिट्ररी है अगर कोई एक्शन किसी भी लॉजिक से आर्बिट्ररी है किसी भी तरह से किसी भी एंगल से इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी और आर्टिकल फोर्टीन इज डीलिंग विद इक्वालिटी आर्टिकल फिफ्टीन इज डीलिंग विद इक्वालिटी दे सेट दैट The said, the court said marital tie can be broken capriciously without any attempt at reconciliation so as to save it. तो आपने निकाह किया और फिर वो निकाह का एंड तलाक था और आपने एक सेटिंग में उसको तलाक में डिक्लेयर कर दिया कि इट इज फिनिश्ड विदाउट गिविंग द वुमेन अ चांस टू सेव द मैरिज टू रिकनसाइल द मैरिज ये अपने आप में इज एन आर्बिटरी डिसीजन और अगर ये आर्बिटरी डिसीजन है तो इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी Hmm. okay the court also said ki if the 1937 act the sharia application act of 1937 it is held as void why because as per article 13 sub clause 1 all laws in force immediately before the commencement of the present constitution shall be void in so far as they are inconsistent with the fundamental rights set out in the constitution ऐसा wow. so, नहीं है दट समथिंग इज अवेलेबल बिफोर द आर्टिकल थर्टीन के में डर फोर्स तो आप उसको वैसे ही चलते रहोगे नो no. एक इंपॉर्टेंट पार्ट यह था एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि वी अंडरस्टैंड दट दिस वॉज अ प्रैक्टिस इन इस्लाम बट वी इक्वली अंडरस्टैंड द ट्रिपल तलाक इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस it is not an essential component of the practice of islam. yes, it is a religious practice that has been going on for a long time, but it is not an essential religious practice. so if it is not an essential religious practice, it will be hit by the exception under article 25. so this essential religious practice, a doctrine of essentiality. Hai. what is that? आइडिया ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जिसे बोलते हैं डॉक्टर ऑफ एसेंशियालिटी ये डॉक्टर ऑफ एसेंशियालिटी शरीर मटकेस जो मैं थोड़ा केस जो मैं थोड़ी देर में तुम्हें बताता हूँ उसमें आया था दिलीजियस प्रैक्टिस और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क होता है एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इज सो क्रूशल टू बी प्रैक्टिस विदाउट दैट द प्रैक्टिशनर्स ऑफ दैट रिलिजन विल नॉट बी एबल टू रीच द स्पिरिचुअल

That triple talaki practice is both wrong as per the theology as well as law. Or just because you many people are following it, does not mean that we think it is validated. So, a very strong line boli thi, that since triple talaq practices is against the basic tenets of the Holy Quran, hence, this line, thi, and I quote, what is bad in theology cannot be good in law. Therefore, this practice was declared as unconstitutional by the Supreme Court, and it was a big, big, big movement. and Women's rights groups and social justice organizations have both celebrated this. And clearly, this the Honourable Supreme Court's words that all concerned are unequivocal. That besides being arbitrary, the practice of talaq is gender discriminatory. Obviously, that a man has triple talaq, that a woman has.

The doctrine was evolved by the court to protect only, only, only Sir aage polo, only, only sir, aage to polo, Sunlo mere beta, only such religious practices which are essential and integral to the religion. Court Nebola religion will cover all rituals and practices integral to a religion and took upon itself the responsibility of determining the essential and the non-essential practices of a religion. This is called as doctrine of essentiality. The religious practices are hit by the exceptions of Article 25. The essential religious practices are the ones which are protected. So, my friends, I say पढ़ते हैं quality और जब इस detail में मैंने इतने से time में तुम्हें कितने hundreds of pages के judgment पढ़ा दिए और वो इसका reason ये होता है आई नो हाउ टू टेक द मैटर अक्रॉस ओके और उसी वजह से आई एम ईवन मोर एनकरेज बाई सच कमेंट्स विच आई रिसीव फ्रॉम माई लर्नर्स मोर ऑफन दैन नाट ऑलमोस्ट एवरी डे आई रिसीव थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ दीज मैसेजेस और ऐसे मुझे ई मेल्स आते हैं ना मेरा यू नो आई फील इवन इवन स्ट्रोंगर आई फील इवन बेटर दैट आई वी शुड डू बेटर फॉर ऑल ऑफ यू तो माई फ्रेंड्स डोंट लेट गो ऑफ दिस ऑपर्चुनिटी दिस इज अज ऑपर्चुनिटी तुम्हारे करियर का सवाल है और ये सिर्फ प्लस क्लासेज ही नहीं मैं कोई भी रिलेवेंट टॉपिक आएगा ओके okay, कोई भी करंट अफेयर्स आएगा वो भी मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करता चले जाऊँगा कोई बुक के समरी कोर्सेज होंगे ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब बट इन डिटेल इफ यू वॉन्ट टू जॉइन ज्वाइन नाउ यू आर वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम कुछ एग्जाम्स कुछ ऐसे इरादे होते हैं जिनमें थोड़ा समय लगता है सो ज्वाइन नाउ यूज द कोच सेट लाइफ and i will see you soon in the words of an academy let's crack it until next time god bless and thank you